दामाद जी काफी दुबले हुए हैं, जरा ख्याल रखना। आपके बॉयफ्रेंड हैं? कार्तिक में सिंगर है। अरे थैंक यू फॉर आस्किंग। सुबह सुबह हुई क्या? नहीं नहीं सिंगर नहीं। आप अब सरेंडर कर रहे हो। वो क्या था, ये लड़की बिल्कुल पागल है, कंटिन्यूटी में लंगोट ही अटक गया था। चलो अच्छा है, लंगोट की आदत होगी। मंजुलिका मंजुलिका ये बचो। मुझे लगा कुछ और है। ओ गॉड, यहाँ मेरा सत्यानाश हो गया। माजा तो जावर प्रेम आए। ईशा सत्यानाश आए है, सत्यानाश पड़ोसी में घोड़े होगा तेरा सत्या 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 सत्यानाश। हेलो एंड वेलकम टू ये लड़की पागल है। गाइस माय ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग टुडे बिकॉज मेरे साथ है क्यूट स्वीट हैंडसम चार्मिंग एक्सट्रीमली टैलेंटेड कार्तिक आर्यन, चैंपियन चैंपियन। या मैंने मेरी मम्मी को आपका फोटो दिखाया था, तो उनको आपकी फेवरेट स्वीट के बारे में पता चला और उन्होंने ये स्वीट दिया है और कहा है दामाद जी काफी दुबले हुए हैं, जरा ख्याल रखना। प्लीज उन्हें थैंक यू कहिएगा। बिल्कुल, आप रे एक्चुअली में आपने कहा रसमलाई है आपकी फेवरेट। हां मैं समझ गया था, वही है, है ना। वैसे कार्तिक हम ना सोचते हैं कि डाइट करेंगे एंड फिटनेस साल लेके आएंगे लाइफ में एंड हम सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं जिम का, बट आई थिंक हिंदुस्तान के सारे लोग अग्री करेंगे वेस्ट हो जाते हैं पैसे। कभी आपके साथ इससे पहले हुआ है ये डिसिप्लिन लगने से पहले? इससे पहले हमेशा होता था वेस्ट। रियली? हां वेस्ट होता था और मैं हमेशा क्या करता था ना, मैं उनमें से था जो जिम तो जाता था बोलने के लिए, लेकिन कई बार क्या है आधे पुलअप कर रहा हूँ, आधा पुशअप मार रहा हूँ, पूरी तरह से बाइसेप कर्ल नहीं कर रहा, हर चीज़ आधी अधूरी, तो उसमें क्या होता है जल्दी में हाँ फिर फ़ोन पे लगे हुए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं उनमें से एक था थोड़ा सा। मैं स्पोर्ट्स में हालांकि हमेशा से वैसा रहा हूँ कि हाँ कंपिटिटिव रहा हूँ, या फुटबॉल खेल रहा हूँ तो एकदम उस फील्ड पे हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ तो प्रॉपरली, लेकिन जिम में मेरा इतना रुझान नहीं था, इतना इंटरेस्ट इतना नहीं आता था। फिर भी आई यूज़ टू ट्राई टू बी फिट किस थोड़ा थोड़ा, बट इतना फिटनेस लेवल पे नहीं। ये मेरा चंदू चैंपियन के प्रेप से चालू हुआ और मेरे एकदम ही ज़्यादा ही फिटनेस लेवल के वर्स्ट फेज से चालू हुआ था, बिकॉज उस टाइम मैंने फ्रेडी फिल्म की थी और मैंने बहुत गेन किया था फैट, और उस टाइम से एकदम ही मुझे इस पे आना था जहाँ पे मतलब मैं एथलीट लगूँ, एक प्रॉपर एथलीट हु कैन एक्चुअली कम्पीट विथ प्रोफेशनल्स, कम्पीट विथ बॉक्सर्स, रियल बॉक्सर्स या फिर रियल स्विमर्स, ओलंपियंस मेरे साथ स्विमिंग कर रहे थे। सो वो सारी चीज़ों में बहुत करेक्ट लगना या डिटेल्ड जिस तरीके से शूट जब होता है तो आपके हर चीज़ फॉर्म से लेकर हर चीज़ दिखती है, तो वो सब में बहुत मेहनत की गई, काम किया गया, तब आई थिंक ये सारा डिसिप्लिन आया एंड जिमिंग वर्कआउट्स भी। रिजल्ट तब आता है जब आप आई थिंक पूरी तरह से हर चीज़ एकदम टू द टी करें, एंड तो इस बार का मेरा ऐसा मंथली सब्सक्रिप्शन जो होते हैं वो वेस्ट नहीं गए। वेस्ट नहीं हुआ है। जैसे आपने पहले का एडिक्शन नहीं था, अब एडिक्शन हो गया है, और कहीं पे आपने बोला कि अभी मम्मी बोलती है कि बेटा जिम से जल्दी आ जा, तो मुझे जेन्युइनली जाना है, आप सिर्फ फिटनेस के लिए जा रहे हो या कुछ और भी रीज़न है? जैसे हमारे किसी किसी के क्रश भी होते हैं जिम में। नहीं मेरे जिम में तो ऐसा नहीं है। कोई क्रश नहीं है, कभी नहीं रहा। नहीं मेरे बड़े टाइमिंग्स भी बड़े ऑफ रहते हैं जब बहुत कम लोग होते हैं जिम में, लेकिन आई थिंक उस लिए जा रहा होता तो फिर तो वेस्ट ही हो जाता ना। और मैं तो एकदम ही, मैं बता रहा हूँ, मेरा पूरा ये 2 साल ऐसा गया है जिसमें मैं दूर दूर तक मैं अपने दोस्तों को नहीं मिल रहा था, तो क्रश तो दूर की बात है, तो वो देखने मेरे एकदम ब्लिंकर्स ऑन थे और सिर्फ एक एंटी सोशल लाइफ जी रहा था जिसमें मैं बस अपने वर्कआउट्स पे ध्यान दे रहा था या फिर अपना फूड हैबिट्स पे या फिर अपने घर पे या बॉक्सिंग रिंग में, बस यही 3-4 जगहों पे जाता था और अपने घर पे फिर या रिफ्लेक्टिंग इन द ट्रेलर। इट्स कमेंडेबल, कमेंडेबल वर्क कार्तिक। स्विमिंग सीखी, बॉक्सिंग सीखी, इतनी सारी स्पोर्ट्स सीखे आपने, कभी ऐसा हुआ कि रात में नींद में भी आप मतलब ऐसा लग रहा है कि आप स्विमिंग कर रहे हो? कर रहा हूं। नहीं, होता है ना कि आप इतना पूरा पूरा दिन उसी में रहते हो, प्रैक्टिस में, रिहर्सल्स में, इतना सब एफर्ट्स होता है। मेरे दिमाग में सिर्फ यही सब चल रहा था और कुछ एक्चुअली चल ही नहीं रहा था,
इसमें क्या दंगल भी है, रेसलिंग भी है इसमें, वॉर सीक्वेंस वगैरह भी अगर शूट किया तो वो वन शॉट सीक्वेंस शूट करना था, तो 8 मिनट का तो वो सारी चीजें वन ऑफ इट्स काइंड थी। आई एम एक्सट्रीमली श्योर, और टैगलाइन है द ट्रू स्टोरी ऑफ अ मैन हु रिफ्यूज्ड टू सरेंडर। जी, तो आपने तो बिल्कुल भी सरेंडर नहीं किया, इतनी मेहनत ली है। लाइफ में कभी ऐसा कुछ टाइम आया है जहाँ पर आपने सचमुच में किसी चीज को लेके, किसी व्यक्ति को लेके सरेंडर कर दिया हो? व्यक्ति को लेकर? हाँ, कि आप अब सरेंडर कर रहे हो। वो क्या था, ये लड़की बिल्कुल पागल है, हा? ये था आपका टैग, बट अगर टैगलाइन क्या था? ये लड़की पागल है, ये लड़की पागल है, सॉरी बिल्कुल ऐड कर तो किसी व्यक्ति को तो नहीं सरेंडर किया, अभी तक तो नहीं किया, शायद आगे कभी लाइफ में करूंगा। मैं भगवान के सामने सचमुच में सरेंडर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सारे पाप सारे उनको पता है, अब बस उनके सामने अब नहीं हो सकता है कुछ, आगे झूठ नहीं बोला जा सकता है, कुछ भी नहीं। तो हाँ, मैंने भी भगवान के सामने सरेंडर किया। अखाड़े की बात हो रही है, अखाड़े में कितने घंटों आप प्रैक्टिस कर रहे थे, वो कितना अलग था आपके लिए एक्सपीरियंस? अखाड़े में हम लोग बहुत घंटों प्रैक्टिस करते थे, और वहाँ पे क्या था, वो पहाड़ में वहाँ पे अखाड़ा बनाया हुआ था ऊपर, जहाँ पे बहुत धूप होती थी, तो वो जो सॉइल थी, मिट्टी थी, वो एकदम गर्म हो जाती थी, वो रेत, जिसमें मैं लंगोट में ही पूरा घूमता था, बाकी सारे दंगल रेस्टलेस भी वो भी लंगोट में होते थे, तो वो जब जब उसमें गिरता था तो एकदम वो, मतलब वो बैक पे अगर गिरा हूँ तो बैक में एकदम वो गर्म सॉइल चिपकती थी। सो या फिर पैर में भी मैं शूज या चप्पल कुछ नहीं पहनते थे, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि किसी गर्म चीज के, तपती हुई चीज के ऊपर आप चल रहे हो, तो वो बहुत ही अगेन टॉर्चर इज द वर्ड दैट आई कैन यूज, कि वो टॉर्चर लगता था। आई एम श्योर। और लंगोट की आपने बात की, कंफर्टेबल थे आप या अनकंफर्टेबल थे ड्यूरिंग शूटिंग? बिकॉज़ फॉर मी क्लोथ्स आर लाइक मोस्ट कंफर्ट थिंग फॉर मी। हां करेक्ट, तो वो लंगोट वैसे ही बनाया गया था जिसमें मैं कंफर्टेबल रहा हूँ। okay. और लेकिन क्या था कि क्या था, जब वो मैं इतने दिन उस लंगोट में घूमा कि मुझे आफ्टर अ पॉइंट, पहले पहले मैं शुरू में बड़ा मेरे को एम्बेरसिंग लगता था, क्योंकि वहाँ पे हजारों लोग होते थे, और वो शॉट हमेशा वो इतने लोगों के बीच में होता था, तो आई यूज टू फील थोड़ा सा कि अरे यहाँ पे इतने सारे लोग और मैं लंगोट में भाग रहा हूँ या घूम रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता था। बाद में तो आई गॉट यूज टू इट, देन तो मेरे को ऐसा लगा लंगोट ही पहनना है और क्या है और कुछ। हाँ, फिर वो पूरे टाइम और बहुत दिन तक शूट चला वो सब, भागने का, अखाड़े का, फिर कुछ और सीक्वेंस उसमें, तो वो लंबा एक कंटिन्यूटी में लंगोट ही अटक गया था। चलो अच्छा है, लंगोट की आदत होगी। ओके, सो कार्तिक, यू आर सराउंडेड बाय विमेन, योर सिस्टर, योर मदर। ऑन विमेन्स डे यू मेंशन कि माय मॉम इज अ फाइटर एंड आई लुक अप टू हर, एंड यू हैव बीन ट्रूली अ फाइटर थ्रू चंदू चैंपियन। व्हाट डू हैव टू से दैट स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम हर, थ्रू हर? 100%। मैंने बहुत चीजें मम्मी से सीखी हैं, एंड आई थिंक शी इज बीन रियली एन इंस्पायरिंग फिगर फॉर मी इन रियलिटी। तो वो जो भी उनके मैंने अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखे हैं, स्ट्रगल्स देखे हैं, और कैसे उन्होंने उनको ओवरकम किया है, वो मेरे लिए हमेशा लर्निंग प्रोसेस रहा है, और मैंने बहुत क्लोजली देखा है वो सब, तो वो आई थिंक इतना इंस्पायर मुझे किया है कि मैं भी उस तरीके से शायद से बनने की कोशिश करता हूँ या वो चीज़ें ट्राई करता हूँ अपनी लाइफ में। तो हाँ वैसा है। अमेजिंग। वैसे कभी सत्यानाश हुआ है लाइफ में? हाँ हाँ, बहुत हुआ है, बहुत बार हुआ है। सत्यानाश तो होता रहता है। आपकी लाइफ में हुआ है? Let's not even start here. Subah hi hua hai. Let's not go there. Let's not even get started. But आप married हैं? नहीं, आपके boyfriend हैं? Kartik में single हूँ। अरे thank you for asking. सुबह होगी क्या? नहीं single हूँ। सत्यानाश। कार्तिक ने पूछ लिया, बस सारे सत्यानाश यही खत्म होते हैं। मेरा दिन बन गया, दिन क्या साल बन गया, अब कार्तिक भी सिंगल है, मैं भी सिंगल हूँ। जी, चलो अच्छा कार्तिक, वैसे आप कल्ट फेवरेट मूवीज करते हैं, जैसे पहली शुरुआत ही प्यार का पंचनामा से होती है, भूल भुलैया भी कल्ट फेवरेट बन गई। कभी ऐसे प्रेशर होता है कि ऐसे कल्ट फेवरेट का हिस्सा बनने के बाद इसीलिए आप ऐसे भी चॉइसेस करते हैं कि फैंस अब नया नया कुछ देखो? पता नहीं, जब मैं फिल्में कर रहा होता हूँ तब मुझे नहीं रियलाइज होता है कि कौन सी, हम में से किसी को भी नहीं पता होता है कि कौन सी फिल्म ऐसी अटैच हो जाएगी और लोगों को इतना पसंद आने लगेगी। प्यार का पंचनामा जब हम बना रहे थे, किसी को तो टाइटल भी नहीं समझ आ रहा था लोगों को, जब जब तक पिक्चर थिएटर में नहीं आई थी,
तो बहुत बोलते थे कि ये टाइटल कैसा है, ये कैसा है, मतलब क्यों, और न्यू कमर्स थे हम लोग सब, तो किसी को वो नहीं था. बट इवेंचुअली जब वो फिल्म आई और इतने लोगों ने जब उसको इतना प्यार दिया, एंड आज वो बच्चों के लिए उसके डायलॉग्स, उसका वो पहनावा, उसका हर चीज, तो आई फील कौन सी चीज क्या हिट कर जाती है वो समझ नहीं आता. एंड नाउ पागलोमीटर. पागलोमीटर ये फन सेगमेंट है. और अगर आपने मना किया किसी मंजुलिका आप एंजॉय कर रहे हो, ठीक है. ओके, एक्सप्रेस योर लव लैंग्वेज व्हेन यू टॉक टू कटोरी. लाइक आई टॉक टू माय डार्लिंग, कूची मूची क्यूटी ब्यूटी. मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा यही बोलता हूँ. अरे पता नहीं अभी मैं ऐसे कैसे, वो कटोरी को लाना पड़ेगा सामने, तब वो निकलेगा कि बच्चा मेरा बेबी. एंड इट्स लाइक दैट, इट्स मोर लाइक दैट. क्यूट. वन डायलॉग फ्रॉम द फिल्म चंदू नहीं चैंपियन है वाला. चंदू नहीं चैंपियन है मैं. चंदू नहीं चैंपियन है मैं. ओके, अब ग्वालियर गए थे आपके होम टाउन में, एंड इतना सारा क्राउड, वाओ अमेजिंग था. और ग्वालियर की लैंग्वेज मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, और आपसे सब मोनोलॉग बुलवाते हैं, बट आपको 30 सेकंड में ग्वालियर की लैंग्वेज में कुछ बोलना है. कुछ बोलना है आपकी फिल्म में प्रमोट कर दो, या रैंट करना है किसी चीज को लेके, जैसे सुबह सुबह सत्यानाश होने के बाद कैसे रैंट करते. सुबह सुबह सत्यानाश हो तो आई थिंक आपको ग्वालियर की लैंग्वेज में, ग्वालियर की लैंग्वेज पता है हिंदी है. अच्छा, मुझे लगा कुछ और है. ओह गॉड, यहाँ मेरा सत्यानाश हो गया. किसी अगर किसी लड़के ने मुझे तंग किया तो कैसे पंच दूँ उसको? सीधा. हाँ, ऐसे सीधा. हाँ, क्या है ये सीधा लेफ्ट और वैसे आपको देखना है कि मैं पंच करूं बेसिकली. नहीं, मुझे मत पंच करो. मुझे मेरा हिडन टैलेंट है कि मैं ये सब समझ जाता हूँ. नहीं नहीं, ये बचो, वो भी मारेगा ना. हाँ, तो ये बच लो, ये बच लिया. लेकिन अगर उसने पेट पे मारा तो पीछे हो जाओ. नहीं, इनके पास सिक्स पैक एप्स है, मेरे पास फैमिली पैक है. लेट्स अवॉइड दिस. ओके, कंप्लीट द सेंटेंस. अगर तृप्ति डिमरी देश की भाभी है तो कार्तिक आर्यन डैश. मैं चैंपियन हूँ. ये वाओ. अच्छा, बिकॉज़ बट ये मैं चैंपियन हूँ बोलना बड़ा अजीब लगता है. मैं अपनी फिल्म प्रमोट कर रहा हूँ इसलिए ऐसा बोला. ओके, क्योंकि मुरलीकांत पेटकर जी मराठी है, तो आपको मुझे एक मराठी में कोई लाइन सुनानी है. मैं बताऊं? आपको आती है? बताओ कौन सी लाइन. पूजा तू कितनी छान दिसतेस. पूजा तू कितनी छान दिसतेस. माझा तुझ्यावर प्रेम आहे. माझा तुझ्यावर प्रेम आहे. ओके काजिन, आपको मेरे साथ पंजा लड़ा रहा है जी. लड़ा, पंजा लड़ेंगे अभी लास्ट. तो हाँ, आप जीतोगी क्योंकि आप इंजर्ड हो, तो आप धीरे से. हाँ, मैं तो मेरे तो अंगूठे में लगा है. हाँ, नहीं आप कर लो, आप कर लो. हाँ, आपको जीतना है. ठीक है, नहीं चैंपियन इसमें तो चैंपियन ही जीतेगा. ठीक, अरे ये तो खुद ले गई. प्लीज जाने से पहले बताइए, ये पागल लड़की के साथ आपको इंटरव्यू करने में कितना मजा आया? मुझे बहुत मजा आया पूजा के साथ इंटरव्यू करके, और एंड आई होप ये इंटरव्यू के बाद आप चंदू चैंपियन को देखने जाएं 14 जून को. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मौज करे पड़ोसी मगर बत्ती बुझा के, मौज करे पड़ोसी मगर बत्ती. अब आएगा सत्यानाश. आय हाय सत्यानाश, पड़ोसी निगोड़े होगा तेरा सत्या 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 सत्यानाश. वापस से आएगा. थैंक यू, काफी अच्छा लगा. थैंक यू, मजा आया. थैंक यू.